हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टी डायमेंशन एरे। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मल्टी डायमेंशन एरे अपना होता क्या है और उसको क्यों यूज़ करते हैं अपने सी लैंग्वेज में और किसी भी अदर लैंग्वेजेस में। और लास्ट में एक प्रोग्राम भी रन करा के देखेंगे कि एक किस तरह से रन करता है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मल्टी डायमेंशन एरे। तो मल्टी डायमेंशन एरे स्टार्ट करने से पहले आपको मिनिमम पता होना चाहिए कि एरे क्या होता है। अगर आपने एरे की ऑलरेडी वीडियो पढ़ रखी है तो वेल हम स्टार्ट कर सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 2D एरे कैसे वर्क करता है, फिर हम मूव करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे पे। तो मल्टी 2D एरे भी हमारा एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो वो कैसे वर्क करता है और कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो मैट्रिक्स आपकी कैसी होती है, जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14। अभी ये कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। 3 × 3 की ये आपकी मैट्रिक्स है, जिसमें कि 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर ये आपको ये मैट्रिक्स बनानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टी डायमेंशन एरे का यूज़ करेंगे। और कोई भी 2D शीट्स बनानी है, जैसे कि आपकी एक्सेल की शीट्स बनती है, तो उस तरह की भी अगर आपको शीट बनानी है जिसमें कि हम कोई भी शीट बना सकते हैं, यहाँ पर ईयर दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपका प्रोडक्शन दे सकते हैं, कितना प्रोडक्शन हर एक ईयर में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, इस तरह की शीट आपको बनानी है, तो भी आप किसका यूज़ करेंगे, मल्टी डायमेंशन एरे का यूज़ करेंगे। तो ये 2D एरे जो है वो कैसे बनाएंगे और कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे होता है। तो वो स्टैंडर्ड वे क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे एरे का नेम, एरे का नेम या फिर वेरिएबल नेम। और यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर आप देंगे रो का साइज और यहाँ पर आप देंगे कॉलम साइज, ठीक है। ये तो हमने 3 × 3 की बनाई थी, और 3 × 4 की भी बना सकते हैं, 12 × 5 की बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाला एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर आपको इंटीजर डालने हैं, तो इंटीजर भी आप डाल सकते हैं, फ्लोट भी डाल सकते हैं, करेक्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप इंटीजर यूज़ करके देखते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीजर, टाइप हम लिखेंगे, टाइप हमारा कोई सा भी हो सकता है, एरे का नेम, एरे का नेम आप कोई सा भी दे सकते हैं, मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स, पूरा एरे का नाम दे देता हूँ, या फिर ABCD भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और रो का साइज़ कितना है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 देंगे और यहाँ पर आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर सेमी कॉलन। तो ये आपकी एक रो डिफाइन हो गई। ये रो डिफाइन होते ही आपका क्या होने वाला है, रो डिफाइन होते ही जो मिस्टर कंपाइलर हैं वो क्या करेंगे, वो रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या कर देंगे, एक 3 × 3 के ब्लॉक्स बना देंगे। ये आपके जो ब्लॉक्स होते हैं वो एरेज में होते हैं, या आप सिंगल एरेज, ये 3 सिंगल एरेज होते हैं, इस तरह के वो एरेज डिफाइन कर देंगे मेमोरी ब्लॉक्स में। तो ये आपके एरेज डिफाइन हो जाएंगे, जिसमें कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, अभी गार्बेज वैल्यू होंगी स्टार्टिंग में, और एक एक करके हम वैल्यूज़ इसमें दे सकते हैं। तो वैल्यूज़ कैसे एंटर कराएंगे वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपको ये इसमें वैल्यूज़ एंटर करानी है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसे फॉर्म में बना लेते हैं ताकि हमारा ईजी रहेगा। अभी ये क्या होता है हमारा 0, 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है ना। अभी इसमें वैल्यू आपको एंटर करानी है, इसका नेम क्या है आपका, मैट्रिक्स नेम है, ठीक है ना, और ABC कुछ भी दे सकते थे हम। तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर एंटर करानी है वैल्यू, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स 0, 0। अब क्या वैल्यू एंटर करानी है, अगर आपको 5 वैल्यू एंटर करानी है तो यहाँ पर 5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अभी ऐसे ही आपको यहाँ पर एंट्री करानी है तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे मैट्रिक्स
ठीक है। अभी आपकी कौन सी रो है, फर्स्ट रो है ठीक है ना, तो रो यहाँ पे दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉलम, तो सेकंड कॉलम में है ठीक है। यहाँ पे 11 वैल्यूज़ देनी है आपको, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ एंटर करा सकते हैं, और इनिशियल जब आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कैसे कराएंगे, तो इनिशियलाइजेशन अगर आपको सिंपली इस तरह से नहीं कराना है तो आप क्या करा सकते हैं, डिफाइन करते समय हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं कंपाइल टाइम पे। वो कैसे करेंगे, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इंटीजर मैट्रिक्स 3 3, और यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट रो में आपका डालना है, तो आप 2 4 6 डालना चाहते हैं, तो 2 4 6 और उसके बाद कॉमा, फिर कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस आएंगे, उसके बाद 8 9 13 और 1 2 3 वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो इस तरह से आपका ये लिख सकते हैं ठीक है ना। अभी मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में गार्बेज वैल्यू मिल रही थी ठीक है ना, वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। अभी मुझे ये 2 4 3 ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, बस सिर्फ मुझे करना है कि ये सब ज़ीरो हो जाए, क्योंकि मैं बाद में यूज़ करूँगा। तो डेवलपर्स यही करते हैं, तो क्या करते हैं उसके लिए, उसके लिए ज़ीरो कर देंगे ये, और यहाँ पर ज़ीरो कर देंगे, और ये ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी रो जो है वो, जैसे ये कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम्स अगर कितने भी बड़े हुए ठीक है ना, तो अगर उसकी जगह हम सिर्फ ज़ीरो लगा देंगे तो ये सारे कॉलम्स में आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। बाकी आपका जो मल्टी डायमेंशनल एरे है, वो आपका बिल गेट्स ने भी यूज़ करा था, जब फर्स्ट टाइम उसने टिक टैक टो बनाया था। टिक टैक टो हमने ऑलरेडी खेल रखा है, जो क्योंकि हम क्रॉस ज़ीरो खेलते हैं, ये ज़ीरो हो जाता है तो हम विन हो जाते हैं। तो ये भी आपका 2D एरे से ही बना है। अभी ये तो आपका 2D एरे हो गया, अभी 2D एरे में वैल्यूज़ भी हमने डाल ली, अभी मल्टी डायमेंशनल एरे और कैसे बनाएंगे, मतलब कि हमने 3D एरे बनाना है, 4D एरे बनाना है, 5D एरे बनाना है, ये कैसे बनाएंगे और ये कैसा होता होगा वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने 2D एरे बनाया था, तो 2D एरे में क्या था हमारा, यहाँ पर अगर हम एक वीक का बना रहे हैं ठीक है, यहाँ पर एक हम शीट बना रहे हैं जो कि पूरे वीक की है, 0 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना, और यहाँ पर आपका ये वीक है फुल। एक और बना लेते हैं, और ये कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपके ऑफिस में या फिर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, उसकी आपको शीट बनानी है। तो ये तो आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो आपकी 5 × 7 की ये बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे, एक बनाना है आपको, A 5 7 ठीक है ना, आपकी एक टेबल बन गई इस तरह से ठीक है। अभी ये तो हो गई आपकी 2D एरे, अभी आपको 3D एरे बनानी है, मतलब कि यही शीट आपको, अभी ये क्या है, फर्स्ट वीक की शीट है, सोचिए अभी आपको 4 वीक की शीट्स बनानी है इसी तरह से। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी क्या आती है, ये 5 × 7 की ये बन गई। तो इससे पहले क्या करेंगे, ये 5 × 7 की आपकी क्या बन गई, एक फर्स्ट वीक की बन गई। इसी तरह से अगर हम 4 वीक की बनाना चाहते हैं तो ये लिख देंगे, तो इस तरह से आपकी क्या बन जाएंगी, 4 शीट्स बन जाएंगी, एक एक करके, एक एक करके आपकी 4 शीट्स आपकी जनरेट हो जाएंगी, जिसमें हम वैल्यूज़ एंटर करा सकते हैं। अभी तो आपकी ये 4 शीट्स बन गई, और इसी तरह की 4 शीट्स आपको क्या क्या चाहिए, 1 2 3 4, 4 शीट्स हो गई, और इसी पूरी मंथ की शीट क्या चाहिए आपको, 12 मंथ की शीट चाहिए, मतलब कि ऐसी 12 शीट और चाहिए। तो आपकी ये कितनी हो गई है, आपकी 12 महीने की हो गई, ये वाली एक एक महीने की हो गई, और ऐसी 12 महीने की चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, 4 5 7, तो ये आपकी जो 1 मंथ की शीट थी वो यहाँ पर आ गई, और हमने इंटू 12 कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, 12 मंथ की शीट बन जाएगी।
तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं कि किस तरह से रन कर रहा है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी आप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स ली है। तो यहाँ पर आप तीन शीट्स देख सकते हैं, एक तो हमने शीट्स बनाई है जिसमें कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है। तो ये हमारी एक 2D शीट्स है, मतलब कि 2D एरे है अपनी 3x3 की। और इसी तरह से हमने तीन एरे बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक 3D एरे की तरह ट्रीट हो रही है। तो यहाँ पर आपका ये 3D एरे, इस 3D एरे को हम बनाने की कोशिश करते हैं अपने कंप्यूटर पे कि किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर अपने कोड ब्लॉक में जाते हैं। तो 3x3 की आपकी तीन मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3x3 की एक 2D एरे लिया है और यहाँ पर एक 3 और लिया है। यहाँ पर आपका ये क्या बन गया, एक 3D एरे बन गया है, ठीक है। अभी हम 3D एरे में वैल्यूज़ एंटर कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ कैसे एंटर कराएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 2D के बेसिस पे चलना है। अगर हम 2D के बेसिस पे भी नहीं, अगर हम सिंगल 1D के बेसिस पे चलेंगे तो पहले हम 3 वैल्यूज़ को एंटर कराएंगे, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ को एंटर हमने करा दी, 11, 12 और 13। और उसके बाद हम इस तरह से तीन वैल्यूज़, मतलब कि तीन एरे को एंटर कराएंगे। तो यहाँ पर आपने 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 3x3 की एक मैट्रिक्स बन गई 2D। अभी इसी तरह से आपके तीन शीट्स बनानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 शीट्स हैं हमारी, तो उसी तरह से हमें 3 शीट्स बनानी है। तो यहाँ पर आपकी एक पहली ये हो गई, ठीक है, दूसरी हमने ये बना ली और तीसरी हमने ये बना ली। तो ये इस तरह से वैल्यूज़ हमने एंटर करा दी हैं। और इसके बाद हम इस वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। वो किस तरह से कराएंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाए हैं, 3 फॉर लूप्स लगाए हैं, अब वो भी हम देख लेते हैं कि 3 फॉर लूप्स क्यों लगाए हैं और 3 फॉर लूप से वैल्यूज़ कैसे रिट्राइव होंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक एरे लिया था, ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे निकलेगी, तो अगर यहाँ पर हम जाते हैं तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, जैसे कि हमारा है, सबसे पहले कंपाइलर जो है वो क्या करेगा, इस लूप पर जाएगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी उसमें, 0 होगी। उसके बाद अंदर जाएगा, तो जे की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। उसके बाद और अंदर जाएगा तो के की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 0 और 0। तो 0 0 0 की वैल्यू कितनी है, 11 आपकी, ठीक है। और फिर उसके बाद के की वैल्यू आपकी ये चलती रहेगी, मतलब कि सबसे अंदर वाला फॉर लूप जो है वो आपका रन होगा, ठीक है। तो के की वैल्यू आपकी पहले 0 थी, फिर 1, फिर 2 और 3 होते ही ये रुक जाएगी, मतलब कि 0 1 2 2 तक चलेगा। तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 0 0 0 11, उसके बाद 0 0 1 12, 0 0 2 13, ठीक है। तो आपकी ये तीन वैल्यू प्रिंट हो गई। अभी तीन वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका फॉर लूप जो है वो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ऊपर ये वाला फॉर लूप में जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। और फिर से ये अंदर वाला लूप स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि 0 1 और 0 0 1 0 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड रो में आ गए हम, ठीक है। और उसके बाद 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 14 15 16 हो जाएगा। इसी तरह से ये जे भी कितनी टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, और ये आपका 17 18 19 आ जाएगा। अभी ये क्या है, इन दोनों फॉर लूप से आपकी 2D मैट्रिक्स बन चुकी है। और इसी तरह से आपकी ये 3 टाइम्स चलेगी, मतलब कि ये जो आपका एक शीट है वो 3 टाइम्स चलेगी इस वाले फॉर लूप से। तो आपकी जो वैल्यूज़ है सारी वो आ जाएंगी। वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से आएंगी, इसको हम कराएंगे कंपाइलर रन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी जनरेट हो जाएंगी। एक तो ये शीट आ जाएगी, एक ये शीट आ जाएगी और एक ये शीट आ जाएगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं,
वैल्यूज को रिट्राइव कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। और आपका यूज क्या क्या है, तो सबसे मेजर यूज है मल्टी डायमेंशनल एरे का कि हमें अगर टेबुलर फॉर्म में कोई भी डाटा शो कराना है, उसको यूज करना है, रिट्राइव करना, ऑपरेशंस करने हैं, जैसे कि हम एमएस एक्सेल शीट में करते हैं, तो उसके लिए हम अपने मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। और भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें टिक टैक टो बनाना है, इस तरह के गेम्स बनाने हैं, 3x3 में या फिर 4x4 में गेम्स बनाने हैं, तो उसके लिए भी हम मल्टी डायमेंशन एरे का यूज़ कर सकते हैं। और इन सब एप्लीकेशंस को हम फ्यूचर की वीडियोस में देखेंगे किस तरह से बनती हैं। सो आई होप आपको बेसिक मल्टी डायमेंशन एरे समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, मीट मी इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। Your feedback is valuable for all, so please comment, like, and share with your friends. Thank you.